एक स्टेटमेंट लिखाते हुए 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180। 1 डिग्री मतलब होता है पाई बाय 180। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 30 डिग्री मतलब कितना होगा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कितने हो जाएंगे, आप ऐसा करोगे ओ 30 डिग्री सर बहुत आसान है, मैं क्या करूंगा यूनिट करी मेथड जो बचपन में सीखा हूं, पाई बाय 180 इनटू 30, ये इससे कटेगा आया पाई बाय 6 है ना, फिर मैं बोलूंगा कि वाह शाबाश एकदम सही है। तुम लोगों को समझ में आया? अगर मैं बोलूं कि बताओ 45 डिग्री कितना होगा, तो तुम लोग बोलोगे सर बहुत इजी है पाई बाय 180 इनटू 45, इससे ये कटेगा तो आएगा पाई बाय 4 है ना। एक्चुअली अपने को ये सीखना चाहिए डिग्री से लेके रेडियन कन्वर्शन में पाई के टर्म्स में हम लोग को एंगल्स को बोलने आना चाहिए। रीजन है क्यों, क्योंकि अपना पूरा 11 12 और फर्दर स्टडीज में ना अब समय आ गया है कि हम लोग पाई बाई बोलना स्टार्ट कर दें, ये एंगल वेंगल बचपन में बोलते थे 9th 10th में बोलते हैं राइट, 30 डिग्री 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री से ज्यादा, 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री मतलब हो जाएगा पाई बाई 180 बिल्कुल 60, ये 0 कटा है ये इससे कटेगा कितना में 3 में, तो आंसर क्या आएगा पाई बाई 3, फाइन 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3। अरे यार तुम लोग को समझ में तो आ रहा है ना कि कैसे कन्वर्शन हो रहा है, यस और नो, ओके यस ठीक है। तो अगर मैं कभी तुम लोगों से पूछ लूं, क्या पूछूं हाँ अगर मैं तुम लोगों से कभी पूछ लूं कि बताओ शिवम 135 डिग्री कितना होगा, 135 डिग्री कितना होगा, तो फिर तुम लोग बोलोगे सर वही आसान है पाई बाई 180 इंटू 135। अरे काहे का आसान है, यहां से 5 से कटा 5 2, फिर कितने में कटेगा ये 7 में कटेगा, ये 5 में कटेगा, फिर 36 में कटेगा, फिर 4 से, फिर 3 से, तो आएगा 3π/4। अरे समझ में तो आया है, ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आया है, पर तुम्हें नहीं लगता ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है भाई, अगर मैं एंगल काटते रहूंगा तो बाकी सवाल करूंगा कब। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे पूछ लूं, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि वो जरूर आएंगे 150, तो तुम क्या काटते रहोगे इंटू 150 सर 0 में 0 को मार दिया, 5 से कटाइए 3 में, 6 में तो आया अच्छा नहीं 5 अगर 3 में और ये तो 5 से कटाई नहीं, अच्छा तो ये तो 5 से कटेगा ही नहीं, तो एक काम करते 3 से काट देते हैं, तो ये आएगा 5 में और ये आएगा 6 में, तो क्या आएगा 5π/6। अरे यार ये काटा कुटी में कहाँ फंस गए, टोटका सिखाते आ जाओ, लेट मी टीच यू अ गुड टोटका, ट्रिक सिखाते आ जाओ, ट्रिक स्नेहा मैं ट्रिक को टोटका बोलता हूँ, कैसे मैं तो कहता हूँ कि मैं एक चार्ट लिखवा रहा हूँ अरमान, मैं एक चार्ट लिखवा रहा हूँ, अगर वो चार्ट तुम लोग समझ लोगे ना तो तुम्हें ऐसे काटाकुटी करने का कोई जरूरत नहीं है, बस खाली चार्ट देखो तो सही, मजा आ जाएगा तुम्हें। मैं तो बोल रहा हूँ कि एक काम करना, ये ले जैसे कि तुझे पता है ना कि बता 1 डिग्री मतलब कितना होता है पाई बाई 180, तो तू ही लोग बता 180 डिग्री कितना होगा पाई, अभी ये तो सबको आता है 180 डिग्री पाई हो जाएगा, तो 90 डिग्री क्या हो जाएगा पाई बाई 2 आधा पाई, देखे कॉमन सेंस है ये भाई, 45 डिग्री क्या हो जाएगा और आधा पाई बाई 4, 60 डिग्री क्या हो जाएगा पाई बाई 3 होगा, देख ए देख 180 का 1/3 60 तो पाई का भी 1/3 पाई बाई 3, बता 30 डिग्री क्या होगा पाई बाई 6। अरे समझ में तो आ रहा है, अगर समझ में आया तो सब कोई थम्स अप करेगा जैसे जैनब की है, थम्स अप से मेरे को पता चलता है यार, चलो खैर तुम्हें ये समझ में आ गया, और कुछ नहीं बचा, हाँ अच्छा 15 डिग्री उसका भी आधा पाई बाई 12, चल मेरे को जल्दी से फटाफट बता ये बेसिक चार्ट सबको क्लियर है, ये बेसिक चार्ट सबको क्लियर है क्या, जल्दी बताओ, अब उसके ऊपर खेलेंगे हम लोग, मजा आएगा आज सारा एंगल्स के बारे में, ओके ऑल द थम्स अप गुड, सो आई विल आस्क यू नाउ क्वेश्चंस,
देख ट्रिक कहाँ है शिवम, ट्रिक क्या है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 120 डिग्रीज को पाई में कितना बोलते हैं, मैं तो पहले तुम्हें ये रिक्वेस्ट करूंगा तो ये चार्ट पहले तुम लोग रट लो, रट लो एकदम। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि 120 डिग्री, देख 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 इसका मल्टीपल, अरे 60 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 120 आएगा, 2 से, तो एंगल को भी कर दे मल्टीप्लाई, जो पाई बाई 3 इंटू 2 क्या होगा, 2 पाई बाई 3, खत्म, डायरेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है क्या अरमान? देख देख देख, अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कितना काट के निकाला था ना ये 150 डिग्री, अब देख कितना जल्दी निकलेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 150 डिग्री कितना होगा, बताओ 30 मतलब होता है पाई बाय 6, 30 को कितना से मल्टीप्लाई करते तो 150 आता है, बोलो 30 कितना से मल्टीप्लाई होगा, 5 से, तो ये भी आएगा 5 से, 5 पाई बाय 6। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है तो थम्स अप करो सर। ओके, अगर अब मैं कितना सारा पूछूंगा, पूछते रहूंगा, ले अगर मैं तेरे को पूछूं कि बता 240 डिग्री, तुम लोग आंसर दोगे 240 डिग्री, तुम लोग आंसर दोगे, आंसर भी आंसर भी आंसर भी, अबे आंसर बेच रहे क्या, 240 आंसर जल्दी। में आंसर, आंसर तो दीजिए साहब, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से, ऐ तो ऐ यार तुम्हें इतना लेट क्यों आंसर देंगे, चलो फटाफट आंसर दो यार, मजा आना चाहिए, क्लास क्लास करके मजा आना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ भाई 11 में पढ़ रहे हैं। 240 60 से कितना मल्टीप्लाई, ऐ तो आंसर आ रहा है, गुड गुड गुड। अरे स्नेहा आंसर दे, 60 को कितना से मल्टीप्लाई करें जो 240 आ जाएगा, 4 से सर, तो उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 पाई बाय 3 डायरेक्ट आंसर है ना। ओके सबका आंसर आ रहा है, आई वांट ऑल द आंसर्स, आई वांट यू गाइस टू बी रिस्पॉन्सिव प्लीज। ओके नेक्स्ट, प्लीज सबको ही आंसर देना चाहिए। अगर मैं पूछू किसको पूछू, हाँ शिवम पूछता हूँ, आई बता 135 नहीं, तू एक काम कर, तू बता 225 डिग्री कितना होगा। शिवम तुम चाहो तो इसमें स्पेशल अकल लगा सकते हो, स्पेशल अकल, अरे भाई सिर्फ एक ही पांच वाला है, पांच का लास्ट, पांच से खत्म होने वाला एक ही एंगल है, देख साहब जीरो से खत्म होगा, हाँ ये 15 है, 15 को जाने दे, 15 तो मैंने स्पेशली लिखवाया, 45 के साथ कितना इंटू करे जो 225 आ जाए, 5, तो आ गया आंसर 5 by 4। बोलो क्लियर है क्या, 15 by 3, ना ना ना, अरे भाई तुम स्क्वायर क्यों कर दिया, 15 15 225, तो 15 by 12 बोलना है ना मृदुल, अगर उससे बोलना भी है तो 15 by 12 बोल सकता है तू, इससे अगर बोलना भी है तो तू 15 by 12 बोल सकता है, फिर 3 से काट दे आएगा तू उतना ही है ना। ओके या गुड, स्नेहा का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, स्नेहा को रिस्पॉन्स देना चाहिए, और अगर नहीं समझ रही है तो बोल कि तू लिख दे रिपीट ताकि मैं समझ जाऊं कि तेरे को और थोड़ा सा बताना है, थोड़ा 1-2-3 एग्जांपल्स और लू क्या स्नेहा, प्लीज रिप्लाई यस और नो, 1-2 और एग्जांपल लू। ओके नाउ एक और एग्जांपल लेता हूं, किससे पूछूं, जैना बता 390 बताओ 390 मतलब कितना पाई, पाई में कितना, 390 मतलब पाई में कितना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, 480 मतलब पाई में कितना, जल्दी बोलो और क्या करे और क्या करे, ला 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 ला, हाँ जल्दी से ये बोलो 720 मतलब पाई में कितना, जल्दी बोलो और बताओ और बताओ और बताओ। अगर मैं पूछूं टू
110। चलो ये चारों बोलो, समझ गई। अच्छा तो स्नेहा आंसर दे, 390 मतलब कितना बोल, 480 मतलब कितना बोल, 720 मतलब बोल, 210 मतलब बोल, बोलना पड़ेगा। एक कौन बोला रे 13 π/6, एकदम करेक्ट आंसर है 13 π/6। ए 480 बोलो, 480 बोलो, जल्दी जल्दी देखे कौन जल्दी आंसर देता है। दो सौ दस का आएगा 7 π/6, शाबाश। 720 बोलो, 480 बोलो, अभी 480 कोई नहीं बोला अभी तक, 480 तो आना चाहिए ना, 60 से हो जाएगा, 68 या 48, 8 π/3 शायद, ये तो मैं ही बोल दिया। ए तो शिवम 8 π/3 गुड, 720 बोल शिवम, 720 बोलो, 720p गुड गुड गुड, 720p पे तुम लोग वीडियोस देखते हो, बोल देना आज से कि सर 720 पे हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग 4π पे देखते हैं। ध्यान से देख, 180 मतलब पाई होगा 18 × 4 = 72, 18 × 4 = 4π, कौन है रे 8π/3, अच्छा वो वाला 8π/3 सही है, 720 मतलब 4π। तो जल्दी से बताओ मेरे को, ओवरऑल तुम लोग को ये आंसर देना है, आंसर तुम लोग को अभी ये देना है कि मोटा मोटी डिग्री से पाई में बोलने तुम लोग को आ गया यस और नो, डिग्री से पाई में बोलने आ गया यस और नो। अगर मैं तुम्हें डिग्री दूं तुम हमको पाई बता सकते हो, यस और नो, यस ओके फाइन। अगर मैं तुमको बोलूं कि क्या बोलूं, या अगर मैं तुमको पाई दे दूं और डिग्री पूछ लूं, तो हालांकि ये ज्यादा इजी काम, पाई दे 17 π/3 6, 17 π/6 मतलब कितना एंगल, जल्दी बोलो 17 π/6 मतलब कितना एंगल। एक और पूछूंगा, टू पाई बाई थ्री बोले तो कितना एंगल। एकदम इजी क्वेश्चन, क्या बोले आप, मुंह तोड़ देंगे तेरा दंगल। 30, अबे 17 π/6 लिखा हुआ है, सिर्फ पाई बाई सिक्स ही तो 30 होता है रे, 30 × 17 कितना होगा, हाँ 510, ये सही आंसर है 510, 17 × 30, अरे पाई बाई सिक्स तो 30 होता है ना, चार्ट देख, पाई बाई सिक्स तो 30 होता है ना, तो 30 × 17 कितना हो जाएगा, 510 हो जाएगा सर, 2π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3 बोलो 2π/3 बोलो 120, मैं जीत गया, तुम लोग लैग हो रहा है, तुम लोग का पीसी, तुम लोग हार गए ओके तो ठीक है, तुम लोग आज, अब मेरे को रिस्पांस कैसे दोगे, तुम डिग्री से रेडियन में बोलने आता है, रेडियन से डिग्री में बोलने आता है, यस और नो। अगर पाई दूंगा तो डिग्री बोल सकते हो, डिग्री दूंगा तो पाई बोल सकते हो, यस और नो। यस और नो, झिंगा लाला स्नेहा तू समझ रही है, हमको डर लग रहा है तेरे को देख के, स्नेहा प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्स दे, है ना, समझ तो रही है ना, बट आंसर नहीं आ रहा तेरे तरफ से। अरे सही गलत कुछ भी बोल सकती है, ऐसा मत सोचना, ये लोग बहुत 30 मार्क है, ये लोग यहाँ पे एक सब, दो दो तीन को छोड़ के सब आंडू पांडू हो गए यहाँ पे, और तेरा क्लास वाला है ना वो देवोजीत, उसका तो अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन ही रहने दे, फिजिकल क्लास स्टार्ट होगा उसके बाद देखना। हाय देवु सब जानते हैं तुमको यहाँ पे, खैर आज बड़ा आंसर दे रहा हूँ तो, शिवम तू समझ रहा है कि देवु इतना आंसर क्यों दे रहा है। खैर स्टार्ट करते हैं, सो क्या बोला था, तो डिग्री टू एंगल और एंगल टू डिग्री,
तुमको आ गया। अच्छा अब हेडिंग लगाओ, अपने को एक चीज सीखना है, ऑल शिवा साइन कोसेक टैन कॉट सेक कॉस, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नहीं मुझे पता है ये तुम लोगों को पता है, ऑल लिखा हुआ है, ऑल मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, जानते हो वो कहते हैं ना कहावत है हिंदी में, अपना घर में तो सब कोई शेर होता है और दूसरा का घर में सब चूहा बन जाता है, लाइक दिस। ऐसा है कि ये ऑल जो है ना ये सबका घर है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबका घर ही है, तो यहाँ पे सब शेर है, शेर मतलब पॉजिटिव और चूहा मतलब नेगेटिव, ऐसा मान के चलो। तो यहाँ पे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब प्लस, ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का घर है, ठीक है। तो बताओ साइन और कोसेक का घर है, अपना घर है तो वो पॉजिटिव होंगे क्योंकि वो तो शेर है, तो साइन और कोसेक यहाँ पे प्लस होगा, बाकी सब मतलब इस घर में अगर मैं टैन और कॉट का बात करूं तो माइनस, क्योंकि चूहा है उसका घर तो है नहीं। टैन और कॉट यहाँ पे टैन और कॉट प्लस होगा, बाकी सब माइनस। यहाँ पे सेक और कॉस प्लस होगा, बाकी सब माइनस। समझ में आया क्या? तो ये चार्ट को अच्छे से समझो, इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझो कि इसको स्टार्ट बता, तुम लोग गेम खेले हो क्या? इसको मैं स्टार्ट बटन बनाता हूँ, मतलब इसको हमेशा दबा दे टूं, तो इधर ट्र 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 घूमते रहेगा, है ना? ओके, तो कैसे होता है स्टार्ट बटन, मतलब ये जीरो से स्टार्ट है। अच्छा तुम्हें ये तो पता है ना कि 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू, ऐसे 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 90 डिग्री मतलब पाई बाई टू, और तुम्हें ये तो पता है ना क्वाड्रेंट के बीच में एंगल सब 90 डिग्री होते हैं, है ना? तो ये जीरो, ये मतलब यहां से हम जीरो मानते हैं, जीरो, तो ये एक 90 घूमेगा तो इसको क्या बोल सकते हैं, पाई बाई टू। फिर एक 90 घूमेगा तो मतलब 180, तो 180 को तो पाई बोलते हैं, ये रहा। फिर एक बार और घूमेगा इसको 3 पाई बाई 2 बोलते हैं, मतलब 270, क्योंकि 180 के बाद तो 270 होता है ना, 90 डिग्री और जाएगा तो 270 मतलब क्या होता है, 90 इंटू 3 मतलब 3 पाई बाई 2, अरे सही तो लिख रहा हूं ना। और फिर वापस घूम के आएगा तो ये 360 हो जाएगा, 360 मतलब 180 पाई होता है, तो 360 क्या होगा, 2 पाई, 2 इंटू मतलब 2 पाई, ऐसे घूमते रहे घूमते रहेगा, ऐसे चक्की समझो। ओके बोलो क्लियर? यस ओके। अब अगर मैं, अब तुम लोगों को दो चीज याद रखना है, दो रूल्स याद रखना है, क्या याद रखना है रूल्स। रूल नंबर वन, किसका घर है, किसका घर है, और रूल नंबर टू, ऑड है या इवन। स्नेहा तेरे को समझ आ रहा है? दो रूल अपने को याद रखना है, सिंपल, दो रूल में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला रूल, रूल नंबर वन क्या है, किसका घर है, रूल नंबर टू क्या है, ऑड है या इवन। अब सर ये ऑड इवन क्या है, सर ये सब क्या बोल रहे हो, बताता हूं एक कहानी सुन। ऑड इवन का क्या चक्कर है ना, ऑड इवन का चक्कर ये है कि आप एक चार्ट तो ले ही लो, ऑड बदल जाएगा क्वार्टर में, अरे ध्यान दे यहाँ पे दोनों तरफ एरो मारा है, अगर कॉट रहेगा तो टेन में बदलेगा, टेन रहेगा तो कॉट बदलेगा, सेक बदल जाएगा कोसेक में, समझा अरमान? ये ऑड हुआ, और इवन हुआ तो इवन होगा तो नो चेंज, इवन होगा तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं। ओके मैंने यहाँ पे नो चेंज लिखा है, फाइन। तो ये दो डब्बा तो आप बनाए, पहले बताओ मेरे को जहां तक भी जो कुछ भी बोला क्लियर है क्या,
यस और नो, आस्ते आस्ते पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन ये लेक्चर, ये टॉपिक दूसरी बार नहीं पढ़ाऊंगा, आस्ते आस्ते पढ़ा रहा हूं लेकिन लेक्चर टॉपिक दूसरी बार नहीं पढ़ाऊंगा। स्नेहा तू समझ रही है? दिख नहीं रहा? और चश्मा पहनो। अच्छा अभी तो चश्मा नहीं मिलेगा, डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, लॉकडाउन में ना, ठीक है कोई बात नहीं, बाद में चश्मा पहन लेना। टैन का क्या होगा अब? अच्छा ये टैन का कॉट होगा, टैन का कॉट होगा, ये कॉट लिखा हुआ है, COT। अरे वो लाइट ऑन है ना तो फ्लैश कर रहा है, देखें लाइट ऑफ कर, खैर जाने दो, उधर नहीं निकलूंगा, देख ले वो टैन का कॉट होगा। अरे बोल तो रहा हूं मुझसे सुन ले। खैर स्नेहा का रिप्लाई नहीं आ रहा, स्नेहा रिप्लाई कर। अच्छा ठीक है तो आगे बढ़ते, तो बताओ रूल, दोनों रूल समझ में आया? टू गोल्डन रूल्स, किसका घर है, ऑड है या इवन? ओके मिटा देते हैं, मिटाए नहीं रहते, मिटा दे ये रूल, मिटा दे तुम लोग कॉपी में आई एम श्योर लिख लिए होंगे, रूल मिटा दे बस। ओके सो अगर मैं पूछूं तुम लोगों से, चलो अब कोई एंगल वगैरह पूछ लेते हैं। ए तुम लोगों को क्लास 10 का सारा एंगल्स तो याद है ना, क्लास 10 का एंगल्स सब, जैसे कि वो साइन 30 को हाफ बोलते हैं और कॉट 30 को रूट 3। अरे मैंने समझाया ही कहा है पांडु इंसान, मैंने बस दोनों रूल लिखाया है, पहला नहीं आया, समझाया ही नहीं हूं पहला, इसको समझ में भी नहीं आया। अभी तो सम बनाऊंगा तो समझाऊंगा ना इडियट। चलो इधर देखो, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं cos 120 डिग्री, सुनना बढ़िया से, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, उसको निकालते कैसे हैं, बढ़िया सुनो। पहले तो ये जो एंगल है ना थीटा, कोई भी एंगल, उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इंटू 90 प्लस थीटा। एन इंटू 90 प्लस थीटा के फॉर्मेट में हम लोग उसे एक्सप्रेस करते हैं, राइट? तो एंगल को लिखा गया एन इंटू 90 प्लस थीटा। अब जल्दी से मेरे को कौन बताएगा, स्नेहा बता, स्नेहा रिस्पॉन्स दे, 120 डिग्री के अंदर कितना टू 90 है, 120 डिग्री के अंदर कितना टू 90 है, बताओ आंसर दे, आंसर दे, 120 डिग्री के अंदर कितना 90 है, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड। खैर तो cos 120 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 90 प्लस 30 ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू इस फॉर्मेट पे एक्सप्रेस करना है, अच्छा वहां पे लाइट पड़ना है तो यहां लिख देते हैं ना, n इंटू 90 प्लस थीटा है ना, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 120 को देख दो n का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 90 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या, यस। अब इसको देख, इसको घुमा रहे हैं, कैसे कैसे इसको मेजर कैसे करते हैं, बताया था तुम लोगों को स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन की ओर हम लोग अपना पॉइंटर रख दिए। अब देखो कितना बोला गया, 1 इंटू 90 प्लस 30, तो ये एक 90 और 30 मतलब कुछ इतना होगा है ना, ये वाला क्वाड्रेंट, तो बता 1 इंटू 90 प्लस 30 मतलब कौन से घर में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट किसका है, कॉस का है कि नहीं है, नहीं है तो प्लस होगा या माइनस, मैंने बोला था कि रूल नंबर वन क्या है, किसका घर है, क्या वो साइन का घर है, तो कॉस क्या होगा, प्लस या माइनस, माइनस, तो एक माइनस दे दिया। दूसरा रूल क्या बोला था, ये वन, वन ऑड है या इवन, ऑड, ऑड होता है तो अपना कॉस किस में पलट जाता है, कॉस किस में पलट जाता है, साइन में, तो माइनस साइन
30, तो बोलो साइन 30 का वैल्यू तो तुम्हें मालूम है हाफ माने माइनस हाफ। बोलो क्लियर है क्या कैसे निकालते हैं कॉस 120 कैसे निकालते हैं? क्लियर है क्या सर कैसे थर्ड क्वाड्रेंट? अबे तुम लोग गधेड़े हो क्या? यहाँ पे देखो ना गधे हो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पकाएगा मेरे को देखो जी, 2 × 90 मतलब 1 × 90, 2 × 90 और थोड़ा और, ये ले तीसरा घर। तीसरा घर किसका? 10 का है तो इसलिए प्लस दे दिया, और दो क्या है इवन नंबर है नो चेंज, इसलिए 10 बैठा दिया, प्लस 10 30। समझ आया? बोल नहीं समझ आया तो उठा कर पटक देंगे तेरे को। एक और, हाँ शिवम एक और हो जाए, क्या करे क्या करे क्या करे, हाँ कॉट 390। बोलो कॉट 390 कौन कितना तो 90 है, जल्दी बता ऐ देखो जल्दी बता वरना दी नहीं होगा। जिन मेरा दिल लुटिया ओहो, जिन मनु मार सुटिया ओहो, लक पतला बलोरी ओत लैण लैण कलक। ए बताओ रे यार तब मुझे गिनने भी नहीं आता। 90 चार्टो 90 है इसमें, चार्टो 4 × 90 हो गया 360 प्लस 30 डिग्री, डूब मरो सर। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? अरे कौन है ये? ओ माय गॉड अरमान करेक्ट आंसर। देख फोर्थ क्वाड्रेंट 4 × 90 मतलब 1 2 3 4 और थोड़ा ऊपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव मतलब ये प्लस होगा, फोर इवन नंबर नो चेंज मतलब कॉट ही रहेगा और कॉट 30 एक्स्ट्रा एंगल तो यहाँ बैठ जाएगा, तो मतलब आएगा आंसर प्लस √3। तुम लोग इतना भी नहीं समझ में आया, तुम लोग जमुले हो सर। समझ में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट से थोड़ा ऊपर ऑल आएगा ना पॉजिटिव। सर हम लोगों को तो पॉजिटिव मतलब सिर्फ आजकल कोरोना वायरस का पॉजिटिव ही समझ आता है, हम लोग इतने गधेड़े हो गए हैं। देख श्रुति तक आंसर दे दी, अरे नहीं श्रुति में तारीफ कर रहा था। और कराना पड़ेगा क्या? तुम लोग को समझ में आया है? बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यस और नो। देखे कितना समझ आया तेरे को, बता समझ आया है? अरे आया कि नहीं आया है? अच्छा ठीक है, ए देखो ये अलग करके दिखाता हूं, ये अलग करके दिखा, देखे कितना समझ आया। साइन 450 डिग्री करके दिखा, कॉस 450 डिग्री करके दिखा दो, करके दिखा कॉस 450 करके दिखा तो मान जाएंगे ना, फंस गया ना। हाँ ये देखो आंसर भी दे, 01 01 01। तुम लोग डिजिटल और बाइनरी में खेलो। कितना तो 90 है बोलते इसमें? हाँ देखो 01 01 सब आंसर आ रहे, पता है मेरे को 90 कितना था यहाँ पे, 5 × 90 प्लस 0 डिग्री है ना। अरे भाई ये स्पेशल केस है थोड़ा देख ले, मुझे पता था यही सब होगा। इधर देखो 5 × 90 प्लस 0 अभी 5। अरे कॉस का वैल्यू 5 कैसे हो गया रे? शिवम ऐसा मत कर। अरे 5 × 90 प्लस 0 देखो इधर, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अरे ध्यान से देखो तो ये तो ऑन द लाइन खड़े है ना, अरे ऑन द लाइन खड़े रहेंगे तो कितना तो 90 मतलब ऑन द लाइन खड़े रहेंगे तो कौन सा घर पकड़ेंगे, ये कि ये? पता नहीं मेरे को। अरे ऑन द लाइन मतलब हमेशा याद रखना रूल है ये, सामने वाला घर पकड़ते हैं तो सामने वाला घर में कॉस क्या होगा, प्लस या माइनस? माइनस, और 5 के चलते ऑड है इवन, इवन मतलब कॉस बना साइन चेंज हो गया, और 0 डिग्री साइन 0 कितना होता है 0, माइनस 0 मतलब 0, 0 आंसर है। आया समझ में?
कभी भी ऑन द लाइन हो तो सामने वाला घर पकड़ो, ऑन द लाइन हो तो सामने वाला घर पकड़ो, कॉपी में लिख लेना। मुझे पता था इसी में दिक्कत होगा, बस अब और कुछ नहीं है बताने को। तुम लोगों को बहुत घिसाई और पिटाई का जरूरत है, हम समझ रहे हैं। हे भगवान, ऊपर बुला ले मेरे को। खैर चल, एक और आंसर देखे दिखा, देखे शिवम आंसर दे। अगर मैं तेरे से पूछूं कि साइन नहीं, टू साइन स्क्वायर 17 पाई बाई 3, इसका वैल्यू क्या होगा? आंसर दे, 2 साइन स्क्वायर 17 पाई बाई 3 है फुल एंड फाइनल आंसर। अब मूव इट सर, ये लो करके दिखाओ, ले करके दिखाओ, करके दिखाओ। चलो वो क्यों सुना रहा है बे, आंसर दे ना बे, ये फिर दिमाग जला रहा मेरा, तू आ तू पढ़ने। अबे ये 510 है ना, 17 × 60 हो जाएगा क्या? हाँ तो 92 हम मुंह देखने के लिए दिए थे, 17 × 60। अबे अरे पाई बाई 3, हाँ तो कितना आ जाएगा, 1020 आएगा। देख 1020 आएगा क्या, तो इसके अंदर कितना तो 90 है। अरे करके देखो ना, हमको हम थोड़ी याद करके दिए। कितना तो 90 है इसके अंदर, ये मार डालेगा मेरे को, मैं समझ रहा हूँ। देख शायद 11 तो है, 11 × 90 + 30, भाई मेरा तो यही आया। शिवम देख तू अपना, इधर 990 और 30 1020 सही तो है, और एक तो स्क्वायर है यहाँ पे, एक तो स्क्वायर है। तो ये पहले ये इस पे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × sin ये जो भी है 11 × 90 + 30, इसका लफड़ा पहले सॉल्व कर ले और उसका पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो जल्दी से बता क्या आएगा, 11 × 90 मतलब एक बार देख, सब देख ले इतना, 11, 12, 42, 52 इतना इतना जल्दी कैसे करेंगे? तुमको नहीं लगता यहां से स्टार्ट होगा? ए दंगल इधर देख, तुझे नहीं लगता यहां से एक चक्कर मारेगा तो 4, 2 चक्कर मारा तो 8, 3 चक्कर मारा तो 12, लेकिन 11 चाहिए, मतलब थोड़ा पीछे आ गया। देख यहां पे खड़े हैं 11 और प्लस 30, मतलब ये वाला घर किसका है, sec और cos का, निकाल किसको रहे, sin को, तो प्लस होगा कि माइनस, तो यहां पे कितना माइनस, और 11 ऑड नंबर है तो sin बना cos, माइनस cos 30 का होल स्क्वायर, तो 2 × cos 30 का मतलब √3/2, तो माइनस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3/4, 2 × 3/4 हो जाएगा 3/2, आंसर 3/2 आया, तुमको पता नहीं क्या है, जल्दी बोल दिया क्या? जैसे 3-4 जन सही से बोल दिए, समझ आ गया। देवू बेचारा कष्ट से बोल रहा है। हाँ हम भी समझ ही गए, पता नहीं क्या ही समझे। खैर आया ओके, एक और करते हैं, पक्का तुम लोग समझ गए सब? आया देखे देखे तो ये वाला करके लिखा, देखे तुम लोग कितना समझ गए। साइन 2π + θ × cos π + θ × tan माइनस थीटा इंटू सेक 2π + θ डिवाइडेड बाय कोसेक π - θ इंटू साइन π / π/2 - θ इंटू कॉस π - θ इंटू कॉट -θ। चलो ये लग करते हैं, कैसा लगा तुम्हें सवाल, शानदार? पहले बताओ सवाल कैसा लगा, बढ़िया? ए मेरे को ये सवाल तुम लोग ट्राई मत कर ले, रुको रे रुको रुको, हाँ मुझे पता तेरा मुंह ऐसे ही है, इसको ट्राई मत करो, मेरे को कुछ पढ़ाना है। एक चार्ट और लिखो, साइन ऑफ -θ - sin θ,
कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता, कॉस थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता। कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा। कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ऐसा मैंने लिखवाया, तुम्हें बताना है ऐसा क्यों होता है। कोई बता पाएगा प्लीज? बकवास रीजन अगर देना हो तो तुम लोग बोलो सर नहीं बता पाएंगे। पकाओ मत। सेक में ही माइनस तो नहीं है ना, कॉस और सेक में ही माइनस तो नहीं है, बाकी सब में माइनस है। एक चीज नोटिस कर, सुनना बढ़िया से। क्या मैं अरमान, क्या मैं टेन ऑफ माइनस थीटा को टेन ऑफ माइनस, इसको एक्सप्लेन कर दू, कोई एक ही एक्सप्लेन करूंगा तुम लोग समझ जाओगे। क्या मैं टेन ऑफ माइनस थीटा को लिख सकता हूँ जीरो इंटू नाइनटी माइनस थीटा? बोलो हाँ या ना। टेन ऑफ माइनस थीटा को लिख सकता हूँ जीरो इंटू नाइनटी माइनस थीटा? अरे भाई, प्लस थीटा अगर सामने की ओर जाता है माइनस थीटा तो पीछे की ओर आएगा। तो सोच सोच के देख, जीरो इंटू नाइनटी मतलब एक भी नाइनटी नहीं, तो वन इंटू नाइनटी उधर तो यहां जाता है ना एक नाइनटी। अरे जीरो नाइनटी मतलब तो यही पे खड़ा है ना, जीरो इंटू नाइनटी मतलब वही पे खड़े है, माइनस थीटा मतलब थोड़ा पीछे आगे। क्या ये वाला घर, अब जल्दी से मेरे को ये बता, ये वाला घर किसका है? टेन का है ना? नहीं है टेन का, तो प्लस होगा या माइनस? माइनस। अच्छा, जीरो ऑड नंबर है या इवन नंबर? जीरो इवन नंबर है, तो टेन बना नो चेंज, तो टेन का टेन बैठ गया और थीटा बैठ गया माइनस टेन थीटा। बोलो क्लियर है क्या? बहुत ध्यान से सोचेगा शिवम तो तुझे पता चलेगा कि अगर ऐसी बात है सर तब तो हर बार हर एक एंगल पीछे आएगा तो माइनस देगा, सिवाय कॉस और सेक के, क्योंकि ये घर ही तो उनका है ना सेक और कॉस का। अरे पीछे आ भी जाएंगे तो अपना ही घर में गिरेंगे ना, तभी तो ये प्लस आ रहा है, इसीलिए इन दोनों में देख खाली प्लस है। देख 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 देख, इन दोनों में खाली प्लस है, बाकी सब में तो माइनस है ना। बोलो अब समझ आया क्या? सब में माइनस तो क्यों आ रहा है? क्योंकि पीछे आ रहे तो उनका घर नहीं है, सिर्फ कॉस और सेक का उनका घर है तो आ जा रहे प्लस। बोलो क्लियर है क्या? यस और नो? तुम्हें समझ आता है? 2π मतलब 360, फटाफट करें एकदम स्पीड में करेंगे। देखो देखे तुम लोग समझ पाते हो? sin 2π + थीटा, 2π मतलब ये 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 पूरा 2π घूम चुका है, थीटा मतलब यहां पे ये ऑड पार्ट है, sin का sin प्लस और 2 इवन नंबर है, तो मतलब ये वाला टर्म आ गया प्लस sin थीटा। जल्दी से 2π + थीटा, बोलो 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो गया माइनस और cos, ये 2 into 90 है, 2 मतलब even, no change, cos का cos, minus cos theta, into tan of minus theta, अभी सीखे हैं minus tan theta, okay, sec of 2π plus theta, 2π मतलब 360 घूम गया, गया plus theta मतलब first quadrant, तो 4 into 90 मतलब even number, मतलब हो गया ये plus sec theta, बोल समझ आया क्या? यहाँ तक समझ आया? इधर देख अरे 2 इंटू 90 माइनस थीटा, जल्दी बता शिवम आंसर दे, 2 इंटू 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है, अबे 180 से थोड़ा पीछे सेकंड क्वाड्रेंट आएगा ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट किसका है? कोसेक का ही है, तो प्लस लिख दिया यहाँ पे, और 2 इंटू 90 बोला था तो इवन नंबर, तो नो चेंज तो आएगा प्लस कोसेक थीटा। बोलो क्लियर यस और नो? अगर समझ आया तो साइन 90 माइनस थीटा है तो प्लस चिन्ह में पड़ चुका, तो ये तो आया था कॉस थीटा। देखो cos pi minus theta second quadrant cos minus 2 into माने minus cos theta, ये cot of minus theta अभी सीखा minus cot theta। बोलो clear है क्या? और अगर तुम लोग बोलो कि ये clear है तो ये minus ये plus हो जाएगा, या minus plus हो जाएगा, ये minus कट गया sin cos tan, tan के नीचे cos है, cos इससे कट गया, तो ये √3 sin u, ऊपर में आया sin क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये तो न्यूमरेटर वाला काम का, होल डिवाइडेड बाय एक कोसाइन दो कोसाइन तीन को, यहां पे कॉस आएगा कॉस क्यूब, ये साइन है यहां पे, ये साइन है, तो मतलब यहां पे कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। नहीं आया तुम्हें समझ में?
डिवाइडेड बाय यहां पे क्या आएगा sin u थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos u थीटा, जिसका मतलब आएगा sin टू द पावर 5 थीटा डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 4 थीटा। सन्नाटे में पहुंच गए तुम लोग, पता नहीं क्या पढ़ा लिया। हां नहीं करेंगे वीडियो डिलीट।